क्या नाम है आपका? मनु शर्मा। ये जो आज आपने दादी के रसोई में कोरोना के लिए क्या फैसला लिया है आज आपने? मैंने ये फैसला लिया है, अभी मैंने देखा कि हमारे देश में मोदी जी ने और एक ऐसा फैसला लिया कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगने वाला है हमारे देश में। उसमें कोई किसी के लिए सख्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये तो जनता को सहयोग करना है और अपने घर में कवर होके रहना है, जिससे कि ये कोरोना जो आज दुनिया में महामारी इससे छाई हुई है, चीन में देखो हजारों मौतें हो गई, ऐसे ही हमारे इटली में हो गई, एक इंडिया ही देश ऐसा है 135 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी यहाँ पे अभी लगभग 3 से 4 मोदी हुई हैं, और वो भी कुछ बाहर से ही आए हुए थे जिनको ये मोदी जी की देन है, और मोदी जी ने बहुत सूझबूझ के साथ अपने देश को बचा के चल रहे हैं। तो उसमें मैंने एक फैसला लिया है कि जैसे अभी योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला किया है कि 2 अप्रैल तक हमारे यूपी में हर सिनेमा हॉल, हर मॉल, हर भीड़ भाड़ की जो भी जगह है, स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद कराए हैं। तो मैंने ये फैसला किया कि मेरी दादी की रसोई में, यहाँ पे हर आम जनता की रसोई है, यहाँ पे 5 रुपए में खाना आम जनता को मिलता है और विकलांगों को मैं फ्री देता हूँ। और मैंने इसमें ये फैसला लिया कि यहाँ पे गरीब तबके के भी लोग बहुत आते हैं, तो यहाँ पे लगभग रोज 250 से 300 लोग आते हैं, और मैंने सोचा कि अगर भीड़ एकदम बहुत हो जाती है, भीड़ होने के कारण इस जो कोरोना वायरस का है, तो इस वायरस को कोई किसी गरीब को ना हो जाए, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि 2 अप्रैल तक जो हमारे योगी जी का आदेश है, ये भीड़ भाड़ वाले इलाके, जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, उसे बंद किया जाए। तो मैंने भी यही फैसला लिया है कि 2 अप्रैल तक अपनी रसोई को बंद रखूंगा जनता, क्योंकि हम युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा इस देश के लिए, और मेरी इस रसोई में ज्यादातर बुजुर्ग आते हैं, और कहा जाता है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को, ऊपर के बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है इस कोरोना का, इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि 2 अप्रैल तक मैं अपनी दादी की रसोई को, एक बिलासपुर के समाज के लिए, मेरे अपना समाज है, मैं इस चक्कर में इन अपने समाज के लिए इसको 2 अप्रैल तक बंद रखता हूँ। धन्यवाद।